मथुरा में जिला कारागार के बाहर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। मामला रविवार की दोपहर का बताया जा रहा है। दरअसल जिला कारागार के बाहर द्वार पर लगी रेलिंग में तिरंगा पत्थर में लिपटा हुआ नजर आया। काफी देर तक यहां से कई पुलिसकर्मी गुजरते रहे और ध्वज की अनदेखी करते रहे। किसी ने जब इसकी सूचना जिला कारागार प्रशासन को दी तो एक पुलिसकर्मी राष्ट्रीय ध्वज को लेने के लिए पहुंचा। पुलिसकर्मी के मुताबिक ऐसा किसी असामाजिक तत्व ने किया है, झंडे को लपेटकर उसके ऊपर पत्थर रख दिया था। इस बारे में वरिष्ठ जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार का मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है, वो इस मामले की जानकारी कर रहे हैं। अशोक कुमार, अशोक जी, यहाँ आपने राष्ट्रीय ध्वज जो जिला कारागार के मुख्य द्वार मथुरा पर देखा, आपने क्या रहा पूरा मामला? ये पता नहीं, ये धोखे से याद किया है, यहाँ तो राष्ट्रीय ध्वज का कोई मतलब नहीं हम लोगों का। हमारा राष्ट्रीय ध्वज वहाँ गेट पर रहता है, मेन गेट पे, और ये कैसे कौन रख गया है यहाँ, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं थी। अभी यहाँ से सूचना गई, किसी का फोन पत्रकार का ही किया है अंदर, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज यहाँ लगा हुआ है। ये तो बड़ी लापरवाही मानकर चलते हैं इसको, कौन रख गया, ये किसकी लापरवाही कह सकता हूँ मैं इसमें, ये भी पता नहीं है। कोई अराजक तत्व ऐसा है जो यहाँ रख गया है, मिट्टी ऊपर से रख दी उसको, उड़े न जिससे, भाई हम लोग यहाँ क्यों लगाएंगे झंडा, हमारा तो कोई मतलब किसी की शरारत मानते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।